We are 5 men. 14. आज हम बेटा हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ दो करें गड़बड़ हो गई. पाठ का हमारा क्या नाम है? गड़बड़ हो गई. ठीक है. कक्षा दूसरी पाठ का नाम है गड़बड़ हो गई. अब हमें गड़बड़ हो गई पाठ से पता चलता है पिछला कुछ लेसन में जरूर गड़बड़ हुई है, तभी तो पाठ का नाम गड़बड़ हुई है ना. तभी पाठ का नाम भी ऐसा ही है कि गड़बड़ हो गई. इसमें हमें क्या है कि एक बार शेरसिंह है ना, इस पाठ की मैं स्टोरी बता रही हूँ. एक बार शेरसिंह नए साल को कुछ नया करना चाहते थे, तो फिर क्या हुआ, नया करने के लिए वो चतुर्सिंह से बातें कर रहे थे. तब जब शेरसिंह चतुर्सिंह से बातें कर रहे थे तो उनकी बातों को चीटू और नीटू ने दोनों ने सुन लिया. चीटू और नीटू दोनों ने उनकी बातों को सुन लिया तो उन्होंने सोचा कि शेरसिंह कुछ नया करेंगे, उससे पहले हम ही नए साल पर कुछ नया करें. तो चीटू और नीटू दोनों ने नए साल से पहले ही तैयारियां कर दी नया करने के लिए. तो उन दोनों ने अपने अपने दो मुखौटे बनवाए और नए साल वाले दिन ही दोनों मुखौटे पहनकर चीटू और नीटू, जो चीटू और नीटू थे वो इसमें खरगोश हैं और वो दोनों वहां आ जाते हैं जहां पे जंगल के प्राणी होते हैं. तो जो और प्राणी थे ना जंगल के, वो चीटू और नीटू को दोनों को देखकर बड़े हैरान होते हैं. वो सोचते हैं कि ये दोनों कहीं दूसरे ग्रह से आ गए, ये तो बड़े अजीब प्राणी हैं. तो उनके डर से भागने लग जाते हैं. रास्ते में उनको और भी बहुत सारे जीव जंतु मिलते हैं. तो वो पूछते हैं, अरे तुम क्यों भाग रहे हो? तो वो सारे भागते भागते बोलते हैं कि धरती पर दूसरे ग्रह के प्राणी आ गए और हमें उनसे डर लग रहा है, हम तो शेरसिंह के पास जा रहे हैं. तो जो भी प्राणी उनको मिलता वो पूछता और वो भी उनके साथ ही भाग लेता. तो ऐसे करके जंगल के सारे प्राणी शेरसिंह के पास आ गए और शेरसिंह के पास आते ही उन्होंने कहा, शेरसिंह हमें बचा लो. तब शेरसिंह ने कहा, क्या हुआ? तब सारे जानवर हांफते हांफते, क्योंकि उन भागते हुए आ रहे थे उनको सांस चढ़ गई, तो हांफते हांफते सभी बोले कि शेरसिंह दो जंगल में दूसरे ग्रह के अजीब प्राणी आ गए हैं और वो हमारे पीछे पीछे ही आ रहे हैं और हमें उन सब को डर लग रहा है. जो अजीब प्राणी आए हैं ना, तो उन दोनों अजीब प्राणियों से हम सबको डर लग रहा है. शेरसिंह कहता है, चिंता मत कीजिए, मेरे रहते हुए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस समस्या का समाधान अभी करता हूं, आप चुपचाप मेरे पीछे बैठ जाइए. तो सभी शेरसिंह जहां बैठा था उसके पीछे सभी जानवर बैठ जाते हैं और वो दोनों चीटू और नीटू जो मुखौटा डाल के आए थे वो दोनों आ जाते हैं. शेरसिंह उनसे कहता है, तुम दोनों कौन हो? तब चीटू और नीटू कहते हैं, शेरसिंह हम चीटू और नीटू हैं. तो फिर शेरसिंह कहता है, तुमने सभी जंगल के जानवरों को क्यों डरा दिया? तब उन्होंने अपने मुखौटे उतार कर कहा, शेरसिंह हम नए साल पर कुछ नया करने के लिए हमने मुखौटे डाले थे और हम नया करने के चक्कर में थे, हमने कुछ नया किया है. तब शेरसिंह ने कहा, अरे तुमने तो नए साल पर नया करने के चक्कर में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, तुमने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी. तो सारे जानवर सुनकर, जंगल के जो जानवर आए हुए थे वो सारे जानवर सुनकर हंस हंस के लोट लोट हो गए. आओ हम देखते हैं स्टोरी को. ठीक है, प्लीज लिसन केयरफुली, पे अटेंशन बहुत.
जंगल में ऐसी क्या गड़बड़ हो गई कि सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। आइए चित्रकथा में जानते हैं। नया साल आने वाला है। शेर सिंह किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। तभी चतुर सिंह वहां आता है। शेर सिंह, आप क्या सोच रहे हैं? पीछे पीछे भागने लगे।
भागते भागते सभी शेर सिंह के पास पहुंचे थे। हमें बचाओ शेर सिंह। आप देखो सारे सुतुक से भाग गए ना, और ये भागते हुए शेर सिंह के पास आए। अब शेर सिंह से कहते हैं कि शेर सिंह हमें बचाओ किसी तरह। सारे भागते हुए शेर सिंह के पास आए हैं ना, और शेर सिंह से क्या कह रहे हैं, शेर सिंह हमें किसी भी तरह बचा लीजिए। धरती पर जंगल के दो दूसरे ग्रह के अजीब प्राणी आ गए हैं जंगल में, और वो हमारे पीछे ही आ रहे हैं। जंगल में दूसरे ग्रह के प्राणी घुस आए हैं, क्या कह रहे हो तुम सब? सभी एक साथ मदद की पुकार करने लगे। शेर सिंह हमारे पीछे ही आ रहे हैं। अब देखो सारे शेर सिंह से मदद की पुकार करने लगे और कहने लगे, शेर सिंह जो अजीब प्राणी आ रहे हैं वो हमारे पीछे ही आ रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए। शांत हो जाओ, मेरे रहते किसी को कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ। सभी शेर सिंह के पीछे खड़े हो जाते हैं। आप देखो शेर सिंह क्या कहता है, शांत हो जाओ। शांत शांत हो जाओ मीन्स शांत मीन्स चुप होना। वाक्यों को पढ़कर सही या गलत पर क्लिक करें। क्योंकि शेर सिंह तो वहीं नहीं गए ना, वो तो वहीं बैठा था। आई वॉन्ट
अगला देखो, चीटू नीटू नए साल पर कुछ अलग करना चाहते थे। जो चीटू और नीटू है जिन्होंने नए साल पर अलग किया, वो अलग करना चाहते थे। हाँ सही है, क्योंकि अलग करना चाहते थे तभी तो इन्होंने कुछ अलग किया ना बेटा। तो सही, आगे देखना। सभी मदद के लिए चीटू नीटू के पास गए थे। गलत, किसके पास गए थे? शेरसिंह के पास। शाबाश। शब्दों के सही विलोम शब्द पर क्लिक करें। अब देखो, विलोम शब्द और इसके सही पे टिक करना है। हंसना, रोना, हंसना, रोना, हंसना, रोना। नया, पुराना, नया, पुराना, नया, पुराना। काला, सफेद, काला, सफेद। लेना, इसका नियम क्या होगा? देना, लेना, देना। दिन, दिन का नियम क्या होगा? क्या होगा? रात। दिन, रात। गज, ये हाथी है।
सूरज, सूरज को बेटा हम क्या कहेंगे? सूर्य। अब ध्यान देना, सेम से सिंह, गजे हाथी, गजे हाथी, वृक्ष पेड़, वृक्ष पेड़, वानर बंदर, वानर बंदर, सूरज सूर्य, सूरज सूर्य। व्हाट इट ऑल समझ आया क्या सभी को? चक्कर में चीटू नीटू ने कर दी क्या? कर दी गड़बड़ कर दी।